चलिए फ्रेंड, आज मैं आपके लिए अपनी रसोई घर में लाई हूँ बहुत ही हेल्दी पराठे। बहुत सी मम्मियों को शिकायत रहती है कि उनके बच्चे टिफ़िन में रोज़ रोज़ बोलते हैं मम्मा कुछ अलग दो, मम्मा कुछ अलग दो, लेकिन मम्मा को समझ में नहीं आता कि हम उन्हें टिफ़िन में आखिर दे तो क्या। बहुत बार हमारे फ्रिज में ऐसी कुछ चीज़ें रखी रहती है, वेजिटेबल रखी रहती है, जिससे हम बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पराठे बना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। उसमें से एक है लौकी, क्योंकि मैं आज आपको लौकी के पराठे बनाने सिखा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत जल्दी बनते हैं। या आप उन्हें अपने हस्बैंड के टिफ़िन में, खुद भी नाश्ते में, शाम के स्नैक्स में, आपको चाय के साथ भूख लगी मन हुआ तभी भी खा सकते हो। फ्रेंड देखिए, लौकी के पराठे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल कद्दूकस किया हुआ लौकी, एक बाउल आटा, आधा बाउल बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, जीरा और कटिंग की हुई धनिया पत्ती और थोड़ी सी कटिंग की हुई हरी मिर्ची। घी हम सेकने के लिए यूज करेंगे पराठों को। अगर आप घी से नहीं सेकना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो घी या ऑयल नहीं खाते तो आप उन्हें भी इन्हें सिर्फ कपड़े रोटी से सेक के भी दे सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो बर्तन में एक बाउल लौकी, एक बाउल आटा, ये आधा बाउल बेसन। बेसन से बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। ये लौकी के जो पराठे हैं, अगर आप इसमें बेसन डालोगे तो बहुत अच्छी लगती है ये। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। लौकी के पराठे की खास बात ये है कि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम हाथ से इसको धीरे धीरे मैश करके करेंगे। कटिंग की हुई मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें आप नहीं भी डाल सकते हो। अगर आपको इसमें प्याज ऐड करना है तो फ्रेंड आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा जीरा। ये सभी चीज़ें हमारी किचन में एनी टाइम रहती है, इसके लिए आपको कुछ भी मार्केट से नहीं लाना पड़ता। आटा, बेसन, नमक, मिर्चा, हल्दी, धनिया, मतलब सब चीज़ें हमारे किचन में रहती है। लौकी जो कि हमारे फ्रिज में एनी टाइम ऐसी रखी रहती है, हम सोचते हैं क्या बनाएं, अब कोफ्ता कौन बनाए। आप एक बार ये लौकी के पराठे ट्राई करिए अपने नाश्ते में, अपने बच्चों के टिफ़िन में, अपने पति के टिफ़िन में। बहुत बार ऐसा होते हैं कि आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप उन्हें कोई वेजिटेबल बना के दो, तो आप ये पराठे उनको बना के दीजिए। इसके साथ आपको ज़्यादा उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उनको अचार या चटनी, ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कर सकती है। फिर हम इसे हल्के हल्के हाथों से गूंथेंगे। इसमें आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगता है तो आप बीच में थोड़ा बहुत पानी ले सकती है। इसी तरह से हम अपने इस आटे को गूंथेंगे। ये पराठे बहुत टेस्टी है खाने में। सबसे ख़ास बात इन पराठों की ये है कि आप इन्हें शुगर पेशेंट को या आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, आपके सास ससुर, आपके पापा मम्मी, जिन्हें लगता है कि हम डेली डेली वो ही प्लेन पराठा खा के बोर हो गए, तो आप इस बार उन्हें ये लौकी का पराठा खिलाइए। उनका मुंह का टेस्ट भी अच्छा होगा और बोलेंगे वाह क्या पराठे हैं। बच्चों को ये पराठे बहुत पसंद आते हैं। उन्हें आप टिफ़िन में सिर्फ सॉस के साथ इन्हें दे सकती है। इसके लिए आपको बच्चों के लिए सब्जी भी नहीं बनानी पड़ती। तो देखिए फ्रेंड, ये जो लौकी के आटे के पराठे का जो आटा है, इसे हमें ऐसे टाइटली गूंथना है। इसमें हमें पानी का यूज़ बहुत कम लेना है। अगर आप इसमें पानी से करोगे तो आटा गीला हो जाएगा और आपके पराठे आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लौकी हमने कद्दूकस की है और उसको अच्छे से धो के फिर चलनी में छान लेते हैं, तो लौकी वैसे ही पानी रहता है लौकी में। देखिए कितना अच्छा ये आटा हमारे यहाँ पर गूंथा जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, मैंने वो आटा गूंथ के अलग प्लेट में रख लिया है, आप भी अलग प्लेट में रख लीजिए और सूखा आटा लीजिए। ऐसे हम इसे सूखा आटा लेके बनाएंगे। आटा मेरा बहुत ही अच्छा लगा है, इसमें आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। अब हम इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। जब आपके बच्चे सुबह लंच लेके जाते हैं टिफ़िन में, आप उनको ये पराठा बना के दीजिए। बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे बच्चे सॉस के साथ खा सकते हैं टिफ़िन में। आपको कोई भी सब्ज़ी भी नहीं बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे जैसा आप बनाते हो छोटा बड़ा पराठा बनाइए, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ये पराठा यहाँ पे बना दिए हैं, अब तवा मेरा पहले से मैंने गरम किया था, अब हम इसे सेकेंगे। आपके घर में जो ऑयल से खाना चाहे तो आप इसे रिफाइंड ऑयल से, बच्चों के लिए वैसे आप इसे घी से सेकेंगे तो बहुत टेस्टी भी लगेगा और बच्चों के लिए अच्छा भी रहेगा। अगर आपके घर में कोई घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते, तो आप इनको सिर्फ ऐसे भी सेक के हल्का सा लगा के दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। सिर्फ चाय के साथ आप अपने बड़े बुजुर्गों को ये दीजिए, खुद भी खाइए, अपने हस्बैंड को टिफिन में, कभी कभी आपके पास टाइम नहीं है सब्जी बनाने की तो आप ये पराठे उनको सिर्फ दे सकते हो, वो उसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, इसे हम हल्के हल्के ऐसे सेकेंगे। आपको अगर जैसा भी है खाते हो वैसा सेके, बहुत टेस्टी है लौकी के पराठे रहते हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड बोलती है, यार कुछ बताओ ना जो बच्चों के लिए हेल्दी हो। देखिए फ्रेंड कितना ब्राउन ये सिक्के एकदम तैयार है, बहुत टेस्टी है। आप इसे सर्दी के मौसम में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बरसात में खाइए तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा, कितना प्यारा इसमें कलर है और झट से बन गया है। आटे में सब चीज़ गूथनी है और पराठे आपको सेकने हैं। किसी के साथ भी आप इसे खाइए, चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, बहुत यम्मी ये पराठे हैं, आप इसे प्लीज़ ट्राई करिए। तो देखिए फ्रेंड आज मैंने आपके लिए कितने लजीज, कितने यम्मी टेस्टी लौकी के पराठे, जो कि इतनी जल्दी बनते हैं हमें पता भी नहीं था, इसीलिए आज मैंने आपके लिए लौकी के पराठे यहाँ पे बनाए। आप इसे ज़रूर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ट्राई करिए। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप मेरी सभी हेल्थी डिश देख सको मेरी रसोई घर में। थैंक यू।